वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल एमएस में अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो बीएससी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक पोटेंशियल के बारे में। सो एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, वो सब आप हमारे आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी का वीडियो आप अगर पूरा देखे हैं तो आपको पीरियोडिक पोटेंशियल बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइक एनर्जी बैंड थ्योरी। तो बात करते हैं यहाँ पे पीरियोडिक पोटेंशियल के बारे में। क्या होता है पीरियोडिक पोटेंशियल? व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स आर ब्रिंग क्लोज टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड एंड द इंटर एटॉमिक सेपरेशन इज रिड्यूस्ड सच द ऑर्बिट ऑफ द एटम्स स्टार्ट इंटरेक्शन विद ईच अदर द पोटेंशियल एनर्जी एंड द ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स इन चेंज इन द पोटेंशियल कर्व। तो पोटेंशियल कर्व ऑफ द एटम, सो द एक्सेप्ट द atom of the age of the solid take from the periodic potential curve in the form of the mathematics। ठीक है, ये जो कहना चाह रहा है आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये इसका लाइक हमने जो थ्योरी है उसको हमने यहाँ पे समराइज करके लिखा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं किसी एटम के लिए, ठीक है, सिंगल एटम के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो उसके लिए जो एनर्जी बैंड डायग्राम जो बनते हैं वो कुछ इस टाइप से बनते हैं। ये जो है वो एनर्जी बैंड डायग्राम है सिंगल एटम के लिए। ठीक है, सिंगल एटम में कैसे बनता है, हम जानते हैं कि एनर्जी जो होता है वो -1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है। अब क्या होता है कि जब भी हमारा इस प्रकार का कोई एटम हमारे पास में आता है तो उसमें 3D के अंदर सिंगल एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस टाइप से बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। अंदर वाले जो होते हैं इनको इनर एनर्जी लेवल कहते हैं और बाहर वाले जो ऑर्बिट होते हैं उन्हें वैलेंस एनर्जी लेवल कहा जाता है। अब ये तो था एक के बारे में। अब मान लो ऐसे बहुत सारे आपके पास में आ जाए, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं पहले टू के बारे में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। तो एक ये ऐसे होगा और दूसरा ये इस टाइप से, सिमिलरली दूसरा इसके पास में आएगा, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, दूसरा जो इसके पास में आएगा वो भी कुछ इस टाइप से होगा, फिर तीसरा जो आएगा उसमें इस टाइप से और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, एंड ये ऐसे हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे ऐसे, और ये जो है वो आगे चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, उनके एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी लेवल के एक्सचेंज के बेसिस पे यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग जो है वो ओवरलैपिंग यहाँ पे लाइक कह सकते हैं नेग्लेक्ट की जाती है, ओवरलैपिंग यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसको हम कहते हैं यहाँ पे पीरियोडिक पोटेंशियल। पीरियोडिक का क्या मतलब हुआ भैया, जो कंडीशन यहाँ पे बन रही है एक सर्टेन टाइम पे, वो की वो कंडीशन कुछ टाइम बाद में यहाँ पर बनेगी, फिर कुछ टाइम बाद में चलेगा तो यहाँ पर बनेगी, एंड यहाँ पर सॉरी एक सर्टेन टाइम बाद में यहाँ होगी एंड यहाँ होगी। तो ये क्या हो रहा है, एक पीरियड को फॉलो कर रहा है, एक पीरियोडिक टाइप के मोशन को फॉलो कर रहा है। तो ये किसके लिए हो गया, एनथ एटम के लिए हो गया। एनथ एटम जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो पोटेंशियल कर्व बनता है ये सिंगल के लिए हो गया, और ये हम बात करते हैं एनथ एटम के लिए हो गया, यानी कि ये जो है वो इसके न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसके लिए हो गया, एनथ एटम का जो आपस में इंटरेक्शन होता है, लाइक एनथ नहीं सॉरी एन एटम का, एन एटम का जो आपस में इंटरेक्शन जो होता है उस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, लाइक उसका जो पोटेंशियल कर्व है वो ये हो गया। ठीक है, अब ये जो बाहर वाला आपको दिख रहे हैं ये आउटर मोस्ट हो गया, एन इज इक्वल टू 4 कह दो, या लाइक आउटर मोस्ट। अगर हम जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम के बहुत सारे एलिमेंट्स एटम जो है आप अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो ये एन इज इक्वल टू 4 बन जाए, मतलब ऐसा समझ सकते हैं ये आउटर मोस्ट है, ये उससे थोड़ा इनर है, फिर आगे वाला ये आप देख सकते हैं। अब खासियत क्या है इसकी, ये है यहाँ पे कि ये जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन सभी न्यूक्लियस में बिल्कुल इजीली घूम सकते हैं, फ्रीली मूव कर, ठीक है, इसलिए क्या होता है, पर ये बाहर नहीं निकल सकते, ये इसके एटम के अंदर ही मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में इतनी एनर्जी नहीं है। सारा हमने हमारे बैंड थ्योरी में देखा। मेन जो हमारा है पीरियोडिक जो है वो यही कहता है, पीरियोडिक मोशन लाइक पीरियोडिक पोटेंशियल का कहना यही है कि जो कंडीशन एक सर्टेन टाइम पे यहाँ मिलेगी वो केवल कंडीशन आपको एक सर्टेन टाइम में वापस यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो एक्चुअली जो पीरियोडिक जो होता है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियड यानी कि टी हम यहाँ पे ट्रांसलेशन वेक्टर का यूज करते हैं, और एक पीरियड जिसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो सॉलिड के जो इंट्रोडक्शन है उसमें देखा था कि ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है, कि जब भी हमारे पास में इस टाइप से मान लो वी जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वी आर यानी कि एक आर डिस्टेंस पे प्लस वापस टी आर डिस्टेंस पे, आप ऐसा समझ सकते हैं कि वी आर डिस्टेंस पे जो मिल रहा है वो सर्टेन टाइम पे वापस टी ट्रांसलेशन वेक्टर के बाद में भी आपको वही मिलेगा, और जहां पे ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा एन ए वेक्टर प्लस
एन पी क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, प्लस पी बी वैक्टर प्लस क्यू यहाँ पे सी वैक्टर होता है, ये ट्रांसलेशन वैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट ट्रांसलेशन वैक्टर कहते हैं, एन पी क्यू आर द सेट ऑफ इंटीजर्स है, आप एन वन एन टू एन थ्री भी ले सकते हैं इसकी जगह। ए वैक्टर बी वैक्टर जो है प्रिमिटिव लेटेस्ट वैक्टर है, यहाँ पे अगर हम बात करें ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर के बारे में, सो दीज आर द प्रिमिटिव lattice vector, तो ये primitive lattice vector को यहाँ पे denote करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे potential curve जो है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसका एक example है, देखो जो periodic potential है उसका example है Hamiltonian और Hamiltonian operator। Hamiltonian operator जो होता है वो एक तरह का periodic operator होता है, कैसे होता है उसको हम यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं कि इसकी एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होता है। अब ये होता क्या है आपको थोड़ा समझना है, बट यहाँ पे मतलब इसका कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे अगर h r इस वेक्टर रखेंगे तो ये h r वेक्टर प्लस t वेक्टर के इक्वल होगा, ऐसा हमको यहाँ पे प्रूव करना है। ये कंडीशन बहुत सारे आगे डेरिवेशन में यूज होगी, ब्लॉक थ्योरम, थर्निंग पेने मॉडल, उन सब में इसका यूज होगा। तो ये जो है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, अब देखो समझो इसका प्रूफ हम यहाँ पे देख लेते हैं। एच आर वैक्टर जो होता है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं एच स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m, ये आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला, डेल ऑपरेटर। ये डेल ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम यहाँ पे v r वेक्टर से डिनोट करते हैं। डेल ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि डेल अपॉन डेल x i कैप प्लस डेल अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल अपॉन डेल z k कैप, ये डेल ऑपरेटर यानी कि ग्रेडियंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर हम r की जगह पे r वेक्टर प्लस t वेक्टर रख देंगे तो ये इसके इक्वल होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो ये काम हम यहाँ पे करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एच आर वैक्टर प्लस टी वैक्टर इज इक्वल टू, जहां जहां ये वैल्यूज है, सॉरी एच स्क्वायर अपॉन टू एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल वैक्टर, इसमें तो कहीं है नहीं आर, अब आर कहाँ पे, यहाँ पे, तो आर वैक्टर प्लस टी वैक्टर ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो पीरियोडिक होता है, ठीक है, ऐसा हमने अभी ऊपर देखा, यहाँ पे ये देख सकते हैं पोटेंशियल जो होता है वो पीरियोडिक होता है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वी आर वैक्टर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एच आर वैक्टर प्लस टी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू एम, ये हो जाएगा डेल ऑपरेटर प्लस ये हो जाएगा वी आर वैक्टर। अब आप देख सकते हैं इसको मैं इक्वेशन नंबर कह देता हूं वन, तो बाय इक्वेशन नंबर वन ये वाला जो टर्म है वो एच आर वैक्टर के इक्वल है, सो दैट वी कैन राइट एच आर वैक्टर प्लस टी आर वैक्टर इज इक्वल टू अगेन एच आर वैक्टर, मतलब ये भी पीरियोडिक हो जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं, नॉन चेंज ओवर, इसमें चेंज नहीं हो रहा है, इन वेरिएबल कह दो, कांस्टेंट कह दो, तो ये जो है इस टाइप से यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन मतलब जो सर्टेन लाइक लेटेस्ट ट्रांसलेशन के बाद में आपको वही चीज वापस मिल रही है। सो ये इसका एग्जांपल हो गया, हमने यहाँ पे इसका यूज भी बता दिया कि ये कैसे होता है। ये जो चीज है, ये वाला जो फार्मूला आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज हम कई डेरिवेशन में आगे करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, इस टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, बाय बाय।